नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कटिंग्स जो है किस किस पौध की आप कटिंग इस समय में लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आप कोई भी कटिंग लगा लीजिए, लगभग हर प्लांट की कटिंग आप लगा कर अपना एक पौधा तैयार कर सकते हैं। और वो कौन कौन से प्लांट हैं आज जो मैं बताऊँगा आपको कि किस किस पौधे को आप कटिंग के थ्रू आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले नंबर पर आता है, जो आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, इसको बोगनविलिया बोलते हैं और इसकी एक बेल नुमा चलती है। आप इसको चाहे तो बोनसाई भी ग्रो कर सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल प्लांट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर चाहे तो इसकी बेल भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास अलग अलग कलर्स के बोगनविलिया हैं। रेड है, कुछ अलग अलग वेरीगेटेड है, ये येलो कलर का है, अलग अलग कलर की मेरे पास बोगनविलिया हैं। इनमें से किसी को भी आप अगर चाहें तो कटिंग के थ्रू आज के मौसम में ग्रो कर सकते हैं। बस होना क्या चाहिए, जो कटिंग आपको लेनी है वो थोड़ी ब्रांच होनी चाहिए। जैसे ये नई ब्रांच है, नई ब्रांच ना लेकर आप ये जो पुरानी ब्रांच है, ये देखिए, ये वाली ब्रांच आपको लेनी है कटिंग के लिए। और इसको लगभग लगभग 4 से 5 इंच की जो डंडी है वो काटनी है इसमें से, और उसको लगाना है। लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे पास पौधे हैं जिनको कटिंग से ग्रो करते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी जानकारी मैं आप आज दूंगा। तो आइए दूसरा प्लांट हम चलते हैं लेकर। दूसरा ये फाइकस का है, ये देखिए, ये फाइकस का प्लांट है और इसको मैं ग्रो कर रहा हूँ। मुझे इसका एक बोनसाई प्लांट तैयार करना है, कुछ ही दिनों में इसकी भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो इसको आप ग्रो कर सकते हैं आसानी से कटिंग के थ्रू। और इसको ये देखिए, इसकी पुरानी ब्रांचेज हैं, ये ऐसी ब्रांचेज आपको लेनी है और लगभग 4-5 इंच आप इसको एक ले लीजिए और उसको आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। इसके बाद जो है, देखिए, एक बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, ये बहुत अच्छा भी लगता है और ये देखिए रंग बिरंगा, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये क्रोटोन है, बहुत अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद है। इसके जो कलर्स हैं ना वो बहुत प्यारे लगते हैं और काफ़ी सारे कलर्स इसके आते हैं, अलग अलग कलर्स के पौधे आते हैं और कुछ के पत्ते भी अलग अलग डिफरेंट होते हैं, कि कोई छोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, लंबे होते हैं, उस तरह की काफ़ी वैरायटी जिसमें आपको अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी वगैरह में चले जाइए, वहाँ से बड़े जो पौधे हैं उनकी कटिंग ला सकते हैं, या फिर आप के जानने वाले किसी की भाई के पास हों वहाँ से भी आप कटिंग ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, एक इंडोर में भी और आउटडोर में भी। मैं इसको दोनों तरह से रख सकता हूँ, इंडोर भी रख लीजिए चाहे आउटडोर रख लीजिए। ये बहुत अच्छा एक शो देने वाला प्लांट है। इसी का ही एक मैं बता रहा था आपको, देखिए ये एक और है, ये देखिए कितना सुंदर है ये। और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत बारीक बारीक पत्तियाँ हैं इसकी, बड़ी सुंदर लगती हैं। देखिए मेरे पास काफ़ी पुराने प्लांट हैं ये जितने भी हैं और इनको कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। इसी के बराबर में एक और नया पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है कोलियस। कोलियस को कटिंग से ग्रो करना तो बेहद आसान है। इसकी मैं आपको दिखाऊँ, अभी 3-4 दिन पहले, एक हफ्ता हो गया होगा मैक्सिमम, कुछ कटिंग्स लगाई थी और वो कटिंग्स का मैं रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ आपको कि वो कितनी आसानी से ग्रो हो गई हैं। आइए देखिए, ये देखिए, ये मैंने कटिंग से लगाया था इनको और कितनी अच्छी ग्रोथ इनमें आ गई है। एक ये है साथ में, एक ये देखिए ये भी है, और ये देखिए ये भी है। तो इनको बहुत ही आसान है ग्रो करना। इसके बाद आता है ये मोरपंखी का, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको याद भी होगा जब हम छोटे छोटे से थे, पढ़ते थे, उस समय इसके जो पत्ते हैं ये हम अपनी किताबों में रखते थे और इनको बोलते थे ये विद्या है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है लगाने के लिए और कटिंग से ग्रो करना भी इसको बहुत आसान है। इसकी भी कटिंग मैंने लगाई हुई है, उसका रिजल्ट मैं आपको कुछ दिनों के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही वो कटिंग्स लगाई हैं।
अभी मैं जो दिखा रहा था आपको उन्हीं के बराबर में वो रखी हुई हैं, तो उनका रिजल्ट मैं कुछ दिनों के बाद आपको दिखाने वाला हूँ। एक और ये वेरीगेटेड फाइकस है, ये भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसान है कटिंग से ग्रो करना। और वही 3-4 इंच की आप कटिंग ले लीजिए, उनको जो रूटिंग हार्मोन है वो मैं बताऊंगा कि कौन सा लेना है। नॉर्मली जैसे हम क्या है कि जो एलोवेरा है वो सबसे अच्छा रूटिंग हार्मोन होता है, उससे क्या है कि फंगस भी नहीं लगती और अच्छे से कोई भी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो वो मैं जब लगाऊंगा, लगाने वाली वीडियो आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं लगाया हुआ है। इसके बाद आइए देखिए गुड़हल के, ये देखिए 2-3 कलर्स मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये देखिए एक बिल्कुल प्योर रेड, और इधर एक बड़े वाला जो गुच्छे वाला होता है वो है। इनको भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं कटिंग के थ्रू, बहुत अच्छी इनकी। ये देखिए मैं यहाँ से कट आई, देख ब्रांच मैंने कट की है, ये भी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं, इनका भी रिजल्ट आपको अभी दिखा देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले लगाई थी और उनमें ग्रोथ भी चल गई है, अभी दिखाता हूँ आपको। आइए ये देखिए इनकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये देखिए लगभग 7-8 दिन हो गए इनको लगाए हुए, और इनमें से भी शूट्स बाहर निकल आए हैं। ये देखिए तो बेहद आसान है इसको कटिंग से ग्रो करना, तो आप भी लगाइए। ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आस पड़ोस में, नर्सरी में, ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कटिंग इसकी ले लीजिए और वो लगा इस समय पे लगा दीजिए, वो अच्छी से ग्रो हो जाएगी। एक ये इसका एक और कलर है वाइट फ्लावर, इस पर अभी नहीं आए हैं। ये गुच्छे वाला जो वाइट होता है वो है, उस इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं, ये भी गुड़हल ही है। और एक पौधा जो बेहद आसान है वो ये है, ये देखिए कटिंग से ग्रो करना, इसको बोलते हैं जेड प्लांट। ये मेरे पास काफ़ी पुराने प्लांट हैं, और इसको आप जैसे मर्जी, इसकी ये छोटी सी ब्रांच है, इसको भी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं कटिंग से, ये भी ग्रो हो जाएगी, बहुत ही आसान है। और दूसरी चीज़ सबसे बढ़िया ये है कि इसको आप कहीं भी रखिए, धूप में रखिए, छांव में रखिए, ये इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मेरे पास तो ये पिछले 3 साल से धूप में भी रहता है, बरसात में भी रहता है आज तक, और अब इनकी ग्रोथ भी देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए 2 प्लांट तो ये हैं, और तीसरा एक ये भी काफ़ी बड़ा आप देख सकते हैं हो गया है। तो इसको भी आसानी से कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। और साथ में ही आप ये देखिए छुई मुई है, ये देखिए इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं, और कटिंग से इसको ग्रो करना बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए ये छुई मुई का पौधा है, कितना सुंदर लगता है, बच्चे इसके साथ खेलते रहते हैं मेरे, तो इसको बार बार टच करते रहते हैं। एक पौधा ये है, ये है कनेर, ये देखिए इस पर फ्लावरिंग आ गई है, और कनेर के कई सारे कलर्स आते हैं। ये वाइट कलर है, रेड आता है, रेड के बाद आप इसका एक हल्का वाइट आता है, क्रीमी कलर उसको बोलते हैं, वो आता है। इसको भी कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। और आइए दिखाता हूँ मैं इसका, जो कटिंग मैंने लगाई हुई थी उनका रिजल्ट कैसा है। ये देखिए ये मैंने कटिंग ग्रो की थी इसकी, और इसकी ग्रोथ आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और इसकी मैंने 2-3 कलर लगाए हुए हैं, एक तो ये है और एक इधर नीचे रखा हुआ है, ये देखिए ये है, एक साथ में वो देखिए वेरीगेटेड आपको दिख रहा है ये है। तो ये भी मैंने सारे कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। तो यही कुछ प्लांट थे जो कटिंग से आप लगा सकते हैं, इसके साथ ही कटिंग से। और जो मेरी जो बेल्स हैं आप देखिए, ये पान की बेल है, बहुत आसान है कटिंग से ग्रो करना। आप इसकी एक ब्रांच लीजिए और इसको लगा लीजिए, बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ तुरंत आ जाती है। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने ये लगाई थी, आप देखिए ये कट किया था यहाँ से, ये देखिए हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया हुआ है, और ये भी इधर साइड में लगाई थी यहीं पर ही। ये भी आसान है, ये जितने भी आप देखिए जितने भी बेल हैं ये सारी कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं, इस मौसम में बहुत अच्छा रहता है। और एक ये देखिए मनी प्लांट, इसको तो आप जानते ही हैं, आप इसको पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग तो बहुत दूर की बात है। ये देखिए इसका पत्ता आप लीजिए, उससे भी आप इसको ग्रो कर लेंगे आसानी से। और साथ में ये स्पाइडर प्लांट है, इसको भी ग्रो करना बेहद आसान है। इसके जो शूट्स निकलते हैं ना साइड से, बेबी निकलते हैं,
उनसे इसको ग्रो कर सकते हैं, ये देखिए। या फिर इसकी डंडी आप ये काट कर अलग कर दीजिए, ये लगा लेंगे तो ये भी हो जाएगी। और मैं आपको बता ही रहा था ये एक, ये देखिए ये भी एक छोटी सी कटिंग लगाई थी इसमें जेड प्लांट की, अभी मैं बता रहा था आपको। और इसकी ग्रोथ देखिए, ये भी कितनी अच्छी चल रही है। और एक ये गमला देखिए, इसमें भी कुछ हमने कुछ पत्ते डाले थे और उन पत्तों से इनके पौधे बन गए, ये देखिए। और एक ये मेरे पास लगा हुआ है, ये स्पाइडर की ही वैरायटी है, ये देखिए, ये वेरीगेटेड में आता है। और इसको भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं कटिंग के थ्रू, एक अच्छा पेड़ आपको मिल जाएगा कटिंग से, और ग्रो करना बेहद आसान है, ये देखिए। तो यही सारे पौधे थे जो मैंने आपको दिखाए, जिनको आप आसानी से इस मौसम में बरसात में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें क्या है कि जो कटिंग्स लगाते हैं उनको मॉइस्चर बना रहना बहुत ज़रूरी होता है, और मॉइस्चर इस मौसम में बना रहता है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी होती है, गर्मी भी मिलती है, मॉइस्चर भी रहता है। तो जो कलमें हैं हमारी, कलमें बोलते हैं कटिंग्स को, वो सूखती नहीं है, तो इसलिए उनको ग्रो करना बहुत आसान है। तो जैसे अभी बरसात चल रहा है, अभी पूरा महीना आप एक डेढ़ महीना लगा लीजिए, कोई भी पौधा कहीं से भी आपको मिले आप उसकी बस कटिंग लाइए और लगा लीजिए, आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं यही सब कहना चाहता था। एक ये देखिए, ये भी कटिंग से ग्रो किया था मैंने, मनी प्लांट, और ग्रोथ देखिए इसकी कितनी अच्छी चल रही है। फिर एक मिलते हैं कुछ एक नई वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कटिंग्स मैंने बताई हैं उनको कैसे लगाया जाता है ताकि उनको सक्सेस रेट जो उनका है वो ज़्यादा रहे और अच्छे से वो ग्रो कर पाएँ। तब तक के लिए आप चैनल को ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। नमस्कार।